सपनों का भारत, गांधी के सपनों के भारत में हमारी यात्रा पहुंची है बिहार, जहां सुशासन की सरकार है और माननीय नीतीश कुमार बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं जो सामाजिक न्याय के साथ विकास के लिए पूरी दुनिया में विख्यात हैं। पटना से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर हम पहुंचे हैं समस्तीपुर। समस्तीपुर शहर मुख्यालय, समस्तीपुर जिला कार्यालय समाहरणालय से 100 मीटर की दूरी पे एक बस स्टैंड है, जिस बस स्टैंड पर हम अभी मौजूद हैं। और सीधा सामने ये आप देख रहे हैं, सामने ये एक बस स्टैंड है और इस बस स्टैंड के पीछे सामने सेक्रेटेरिएट है, जो पीछे ट्रक आ रही है ये सामने सेक्रेटेरिएट है और सेक्रेटेरिएट के ठीक बगल में ये प्रधान डाकघर है। और इस प्रधान डाकघर के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारी टीम उड़ता बिहार स्टोरी को लेकर बिहार में ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर जो पूरे देश की कुल आबादी का 70% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र के वो बच्चे हैं, जो आज के युवा हैं, जो आज के भविष्य हैं, जो देश के भविष्य हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, जो स्वरोजगार कर रहे हैं, जो रोजगार की तलाश में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। जब हम ये बस स्टैंड, एक सोशल स्पेस माना जाता है, यहाँ स्वच्छता अभियान को घाता बताते हुए यहाँ कूड़े का देखिए अंबार लगा हुआ है, जो ये बताता है कि नगर निगम की जो कमियाँ हैं उस कमियों को आप यहाँ देख सकते हैं इस कूड़े के रूप में। साथ साथ यहाँ कुछ ऐसे बोटल्स मिलेंगे, कुछ ऐसे शराब के बोटल्स मिलेंगे जो इस बात के प्रमाण हैं कि शराब यहाँ लोग आकर पीते हैं। कौन पीते हैं, नहीं पीते हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, ना हमारे पास इससे रिलेटेड कोई जानकारी है, क्योंकि ये सोशल स्पेस है। आगे आप आइए, यहाँ आप देखेंगे सामने एक दवा है, दवा का बोतल है वहाँ रखा हुआ और ठीक उसी दवा का ये नया पैकिंग है, ये नया पैकिंग है जो यहाँ रखा हुआ है। ये एक बोतल मेरे पास में भी है, अगर बात करें तो इसका नाम है डाइलेक्स DC, ये कोडीन फास्फोट एंड क्लोरोफिनिरेमाइन मिलेट सिरप है। इसमें लिखा हुआ है ड्राई कॉफ फार्मूला। ये डॉक्टर रेड्डी लैब हैं, जो देश की रिप्यूटेड कंपनी है जो इस दवा को बनाती है। 131 रुपये इसका MRP है और ये दवा नशे के रूप में कोडीन सिरप पे वैसे बैन है, लेकिन कुछ मात्रा में कोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसमें वही कंपोजिशन है कोडीन। डॉक्टर रेड्डी की तरह देश में लगभग 17 से ज़्यादा कंपनियां इस दवा को बनाती हैं और इन दवा का इस्तेमाल गैर मद्य निषेध जहाँ है उस जगह पर इस दवा का इस्तेमाल होता है। ऐसे में यह दवा नशे के रूप में एक व्यवस्था चल रहा है जो एक सिंडिकेट है। शेड्यूल अगर H की बात करें तो बहुत दवाओं पर पाबंदी होने की वजह से शेड्यूल H में बहुत दवाएं मिलती हैं, लेकिन कुछ दवाएं प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिल सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से ये दवा आम जनमानस के टॉयलेट्स पे मिलता हो, जहाँ बस स्टैंड है वहाँ मिलता हो, और सरकार की जो समाहरणालय है, सेक्रेटेरिएट है, उससे 100 मीटर की दूरी पे मिलता हो, तो यह सवाल हम नहीं कर रहे हैं। यह सवाल यह बता रहा है कि किस तरह बिहार में उड़ता पंजाब, आपने एक फिल्म सुना होगा जो फिल्म नशे को दिखाया गया था कि पंजाब में किस तरह मजीठिया और उनके लोग उन नशों के रूप में वहाँ के युवाओं को दिग्भ्रमित कर चुके हैं और वहाँ कुछ हो नहीं रहा है। आज उसी उड़ता पंजाब के कारण पंजाब में वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार आई और कई सारे ऐसे काम हुए जो नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, ऐसा केजरीवाल का कहना है। लेकिन हम बात बिहार की कर रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से उड़ता बिहार और नीतीश कुमार का ये सुशासन इस तरीके से दिखाई दे रहा है, सही मायने में यह पत्रकारिता नहीं, यह एक सोशल ऑडिट है, जिस सोशल ऑडिट के द्वारा समाज में चल रही उन घटनाओं का जिक्र करके हम रियलिस्टिक पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता का टैग देकर इन खबरों को पब्लिक डोमेन से दूर कर देते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस तरह की बातों को सामाजिक न्याय के लिए सामने लाना ज़रूरी होगा। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर।